नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर भोपाल से है। यहां गजबा सौदा थाने में पदस्थ एएसआई रिश्वत लेते पकड़ा गया। अगली खबर झाबुआ से है, जहां नित्य स्नेह कन्या संस्कार शिविर का किया जा रहा है आयोजन। और अगली खबर रतलाम से है, यहाँ पुलिस ने पत्नी की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। विदिशा गंज बासौदा थाने में पदस्थ एएसआई शिव प्रसाद विश्वकर्मा रिश्वत लेते हुए पाए गए। गंज बासौदा में थाने में पदस्थ शिव प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा दो सगे भाइयों के मामले को रफा दफा करने के लिए परिवार से 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, जिसमें 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो भी वायरल हुआ। ऐसा मामला थाने का नहीं, कई थानों की यही कहानी है। बात करें भोपाल में भी कुछ महीने पहले छोला थाने में पदस्थ एएसआई संतोष दांगी, जिनको लोकायुक्त ने 10,000 रुपए लेते हुए भानपुर चौकी पुलिस से ट्रेस किया था। बीच में थाना हनुमानगंज के प्रधान आरक्षक 100 डायल में पदस्थ थे, जिसमें उन्होंने लोडिंग ऑटो से 100 रुपए लिए थे। हमने चौकी प्रभारी से पूछी कि क्या मामला है, मैं बताओ, तो बोले के लगे उधर उसको इधारी लेके आओ राहुल को। उन्होंने कहा दोनों बच्चे हैं हमारे और हम यही समझा लेंगे साहब, और हम गरीब आदमी हैं। तो बोले के लगे कि आप लेकर आओ, 5 दिन जेल जाएगा। तो मैंने कहा साहब आपकी व्यवस्था कर देंगे, हम कर चुका लेंगे। तो बोले के लगे नहीं, 1,00,000 रुपए लेके आओ। तो 1,00,000 रुपए मेरे पास नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। कुछ दिन पहले से मेरा बच्चा भी नहीं है, और वो विश्वकर्मा जी हैं चौकी प्रभारी। भोपाल से सीनियर संवाददाता राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां श्री सौधर्म वृहद तपोगत क्षेत्र तुस्तिक जैन संघ के प्रसिद्ध तीर्थ मोहनखेड़ा में जयंत सेन म्यूजियम में समर वैकेशन के तहत 23 मई से 30 मई तक नित्य स्नेह कन्या संस्कार शिविर का आयोजन श्री राजेंद्र जैन श्वेतांबर तीर्थ दर्शन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके लाभार्थी गुरु भक्त परिवार हैं। शिविर में कई प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। प्रतिदिन योगा, सामूहिक सह विधि, प्रभु दर्शन, गुरु वंदन आदि अलग अलग प्रकार के गेम्स करवाए जा रहे हैं। संपूर्ण आयोजन में श्री राजेंद्र जैन से म्यूजियम मोहनखेड़ा तीर्थ ट्रस्ट के स्टाफ द्वारा खान पान सहित अन्य कार्यों में विशेष ध्यान रखा जाता है। ट्रस्टीगण ने समस्त पालकों से अपील की कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपनी बेटियों को इस प्रकार के ज्ञान व्यापी शिविर में भेजें और धर्म का लाभ लें। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जो रतलाम पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। पत्नी पर प्राण घातक हमला कर बाथरूम में गिरने से चोट लगने की झूठी कहानी रची गई थी। 5 दिन पहले स्टेशन रोड स्थित अशोक होटल में पति पत्नी रुके थे। रात में पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके कारण सर में चोट लगी थी। इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लाश को रास्ते पर रखकर पति भाग गया था। शंका होने पर पुलिस ने होटल अशोका के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज चेक करने पर घटना का पूरा खुलासा हुआ। सख्ती से पूछताछ करने पर पत्नी का हत्यारा पति ही निकला। आरोपी पति पर हत्या, डकैती सहित 2 दर्जन से अधिक मामले उज्जैन के थानों में दर्ज हैं। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। रतलाम से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां शहर के बरीघाट फिल्टर प्लांट में जामिनी नदी का जल स्तर घट गया है, जिसके चलते शहर में जल संकट की स्थिति होने लगी है। नगर पालिका ने जब 1 दिन के बजाय 2 दिन के अंतराल पे पानी की सप्लाई शुरू कर दी, तो जल की संकट की स्थिति को देखते हुए सोमवार को पूर्व विधायक राकेश गिरी फिल्टर प्लांट बरीघाट पहुंचे। दरअसल शहर के सारे 27 वार्डो में बरीघाट फिल्टर प्लांट से पानी की सप्लाई की जाती है। गर्मियों के मौसम में साल जामिनी नदी का स्तर घट जाने से पानी की सप्लाई प्रभावित होती है। इस बार भी जल स्तर काफी घट गया। नगर पालिका ने शहर में पानी की सप्लाई 2 दिन के अंतराल से शुरू कर दी। नगर पालिका ने शहर में पानी की सप्लाई जैसे शुरू हुई, इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक राकेश गिरी ने बरीघाट फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने देखा कि नदी का स्तर काफी घट गया है। इस संबंध में पूर्व विधायक ने टीकमगढ़ कलेक्टर से चर्चा की। टीकमगढ़ कलेक्टर ने इस संबंध में ललितपुर कलेक्टर को पत्र भेज दिया। मुख्यमंत्री को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया। जल्द ही ललितपुर जिले में बने बांध से जामिनी नदी में पानी छोड़ा जाएगा, जिससे जल संकट की स्थिति दूर हो सकेगी। जय श्री राम, आप सभी को मेरा प्रणाम। टीकमगढ़ शहर में पानी की समस्या चल रही है।
भीषण गर्मी पड़ रही है और इस समय लोगों को पानी की अति आवश्यकता है। गर्मियों के मौसम में कूलर के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, पशु पक्षियों के लिए पानी, पेड़ों के लिए पानी, सबके लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ कारणवश इस बार पानी की स्थिति गंभीर संकट उत्पन्न शहर में उत्पन्न होने जा रहा है। कल मैं बरीघाट गया, जहां देखा कि मुश्किल से एक सप्ताह के लिए पानी शेष बचा है। इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, उत्तर प्रदेश के कलेक्टर ललितपुर कलेक्टर को भी पत्र लिखा, टीकमगढ़ कलेक्टर साहब को भी पत्र लिखा और निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि टीकमगढ़ में पानी की समस्या ना हो। टीकमगढ़ की जो CMO है वो भी दो दिन से निरंतर ललितपुर जिले में कलेक्टर के संपर्क में बनी हुई है। कलेक्टर ने जामनी बांध के अधिकारियों से चर्चा भी की, CMO भी मिले, लेकिन जामनी बांध में पानी नहीं होने के कारण उनके द्वारा मना कर दिया गया। अब जामनी के बाद जो जमरार नदी पर एक बांध बना है उसमें 3 MCM पानी है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, CMO भी वहीं हैं, निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं, हम भी चर्चा कर रहे हैं कि जमरार नदी के माध्यम से, जमरार बांध के माध्यम से टीकमगढ़ के पीने के लिए पानी आ जाए, टीकमगढ़ में पानी की संकट ना हो, इसलिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका भी प्रयास में लगी हुई है, हम भी प्रयास में लगे हुए हैं, जिला प्रशासन भी हमारा प्रयास में लगा हुआ है, कलेक्टर साहब भी दिन रात मेहनत इसके लिए कर रहे हैं, CMO भी लगी है और हमारा सबका भी प्रयास है कि टीकमगढ़ में जमुनार नदी के माध्यम से पानी आए और जो पीने की समस्या लोगों को ना हो, क्योंकि इस बार बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, पानी की आवश्यकता है, इसी नगर टीकमगढ़ में जल संकट ना हो, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मनमोहन यादव जी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, यह मनमोहन यादव जी की सरकार जनता के हितों के लिए खड़ी है और माननीय मोहन यादव जी के होते हुए टीकमगढ़ में पानी की किल्लत नहीं होगी। मैंने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी इस संबंध में अवगत करा दिया है और शीघ्र उत्तर प्रदेश के जो बांध है उनके माध्यम से बरीघाट पानी पहुंचेगा और टीकमगढ़ की पानी की समस्या का हल होगा। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आपसी न्यूज़ भारत।